हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं मनसाराम वर्मा आप सभी के समक्ष उपलब्ध हूँ। अभी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ है 20 सितंबर को, और उसकी ऑफिशियल उत्तर कुंजी के साथ मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो जिन भी साथियों ने एग्ज़ाम दिया है वो कृपया करके मिला सकते हैं, और जो भी आंसर बताए जाएंगे वो आयोग के द्वारा दिए गए उत्तर हैं, तो इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आंसर मैच कर लेना है, और जिन भी क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, उसके लिए आयोग के द्वारा टाइम दिया गया है। और जिन भी साथी ने नहीं दिया है एग्ज़ाम, आंसर जानना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आपके समक्ष जो भी सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका डी सीरीज है, और जीएस के 140 प्रश्न इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, कौन सा कथन सही था। तो इसका आंसर जो है आयोग ने दिया है ए, यानी कि फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट सही होगा, यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। और यहाँ पे जो लेमेस्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पे एलिजा एम्फे थे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है, तो इसका टैग का रंग क्या है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है, तो इस फोर्थ नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का वाराणसी। मक्का वाराणसी ये जो है गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू की गई थी, किस राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा पाँच का ए नंबर, यानी कि महाराष्ट्र सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो छः नंबर में, छः नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सात नंबर क्वेश्चन है, जो भी बैंक और उसके प्रकार दिए हुए हैं, तो इसमें सात में डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन यानी कि 4312 जिन्होंने किया है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठ नंबर, आठ नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सत्य लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो नौ का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोजगार सृजन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। सभी आंसर आपको आयोग की आंसर की से बताए जा रहे हैं, तो कोई भी अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप आयोग के दिए गए टाइम के अंदर आप क्वेश्चन का जो है प्रमाण लेकर प्रस्तुत कर सकते हैं। 11 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार, यानी कि जरवा जनजाति की बात की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3421, 3-4 यानी कि 3-4 और 3-4-2 और 1, तो इस तरह आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर, देश है और राजधानी दी गई है, तो 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4312, 4 3 और 1 और 2, इस तरह मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका भी पीसीएस का एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप एक बार देख लीजिएगा जरूर, जिनका भी पीसीएस का एग्जाम है। डी ऑप्शन सही होगा 16 का, यानी कि 2341, 2 2 3 4 1, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन जिन्होंने किया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड, नागालैंड में जनजाति संख्या शून्य बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प वर्ष संबंधित है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि
मछली उत्पादन से। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो 21 का सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सतलज और काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत के द्वारा कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का थीम था? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया जो 2020 का था? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन मर्सी होगा, कांगना रनौत। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 लोगों को दिए गए थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 21 फरवरी। तो 21 फरवरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बनीला जो भी था इसका सही आंसर बताना है। तो 29 का ए, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो इसका सही आंसर अजय वारियर, अजय वारियर जो है 2020 की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 32 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, अगर 33 की नंबर बात करें तो ए सही होगा, 1140। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि 62 सही होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर बुधवार होगा। नेक्स्ट है, स्वप्न से संबंधित है वास्तविकता से, तो मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? तो 36 का बी नंबर सही है, यानी कि सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो बी ऑप्शन इसका आयोग ने बताया है, 84 बिल्कुल सही है। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो 39 का सी ऑप्शन सही है, यानी कि उन्नाव, उन्नाव इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो 40 का बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1995 में। जो भी आंसर बताए जा रहे हैं आयोग के द्वारा दी गई उत्तर कुंजी से हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके साथी ने कोई भी पेपर दिया हुआ है, तो आप उसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि वो भी जुड़ करके अपने उत्तर कुंजी आसानी से मैच कर पाए। तो 41 का ए नंबर सही होगा, लखनऊ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, 42 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी पीतल की मूर्तियां, ऑप्शन बी इसका सही होगा, 42 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 43 नंबर यहाँ पे मेला और जनपद दिए हुए हैं, तो 43 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 और 4, तो इस तरह मैच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? 44 नंबर का आंसर ए होगा, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 9, 9 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर सॉरी यहाँ 45 में जो ऑप्शन दिया गया है वो 3 दिया गया है, आयोग ने 3 दिया हुआ है, 45 का ऑप्शन बी सही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो आप इस अगर कोई साक्ष्य मिल रहा है तो आप जरूर प्रस्तुत करें आयोग के समक्ष। तो 45 का ऑप्शन बी बताया जा रहा है आयोग के द्वारा, जबकि मुझे लग रहा है कि 9 होना चाहिए ए ऑप्शन। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो 46 का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, और यहाँ पे देख सकते हैं 47 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 48 का सही आंसर ऑप्शन बी बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के
अंदर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो 49 का ए नंबर सही होगा, नीला बॉक्स सहायिका। 50 नंबर का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, बी इसका सही आंसर है बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही होंगे, बाकी चौथा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन डी सही है, चैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, 53 नंबर का ऑप्शन ए सही है, केरल। तो ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं नवरात्रि जो है कर्नाटक में भी मनाया जाता है सरस्वती पूजा के रूप में, और तेलंगाना में भी, तो ये क्वेश्चन विवादित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 54 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा सही लिखा हुआ है ये, और ये IIT रुड़की यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, 55 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी यानी ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो 56 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। आलू की चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकलित किए जाते हैं, तो इसका 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन वातावरण में। नेक्स्ट है 58 नंबर में ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो 58 नंबर का सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि आसवन डिस्टिलेशन। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो इसका सही आंसर 61 का होगा ऑप्शन बी, लाल रंग। जो भी आंसर हैं आयोग के द्वारा बताए जा रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी विवादित क्वेश्चन आपको लग रहे हैं उनको आप प्रस्तुत कर सकते हैं आयोग के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो 61 का सही आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कि उभयचरों में, उभयचर इसका सही आंसर होगा, उभयचर इसका सही आंसर होगा, तो आप यहाँ पे उभयचर देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो 62 नंबर का सही आंसर बी होगा, हकीम सूर। हकीम सूर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर और इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर की पहले से मैच की होगी, लेकिन ये आयोग की आंसर की है, इससे ज़रूर आप एक बार मैच कर लें। 65 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी। 67 यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा, BC दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है, क्या सत्य नहीं है, तो 68 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, तो 69 का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर और 70 का बी ऑप्शन सही है, 70 का बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 71 नंबर, तो 71 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, 71 नंबर आप ऑप्शन बी देख सकते हैं ये होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 72 नंबर और इसका भी आंसर बी बताया जा रहा है आयोग के द्वारा, तो इसका आंसर बी होगा, यानी कि धान बथुआ इसका जो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे 73 नंबर की, तो इसका ऑप्शन भी बी होगा, 4, 2, 1, 3, तो इसको मैच कर सकते हैं, सूरजमुखी 4 यानी सभी उसमें होगा, और 2 यहाँ पे, 1 और फिर 3, तो इस प्रकार आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्च्यून इंडिया में 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन थी, तो इसका सही आंसर जो होगा 74 का सी आंसर सही होगा, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 75 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, तो 76 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर और 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी,
डी सही होगा, यानी कि डी आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे, 2 1 4 3, 2 1 4 3 इस तरह मैच कर लीजिए, 2 1 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है, 78 में ए ऑप्शन सही होगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो 79 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि माही नदी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसको भारत की जनसंख्या इतिहास में महाविभाजक वर्ष कहा गया, तो 1921, 1921 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना आंसर सही होगा झेलम नदी पर है, 82 में आपको मिल जाएगा डी ऑप्शन, चारों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना की गई, तो 83 में डी सही है, 2010 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 नंबर, तो 84 नंबर का सी ऑप्शन सही है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 नंबर, और इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि रूर औद्योगिक प्रदेश ये जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 नंबर, और इसका सही आंसर बी ऑप्शन, बोत्सवाना। अगर हम 87 नंबर की बात करें, वन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसनिक नेशनल पार्क, ओसनिक नेशनल पार्क ये इसका सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि कच्छ में, कच्छ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, तो 89 में ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ है, तो 90 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 नंबर, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या, पानीपत इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो 92 का आंसर नंबर बी सही होगा, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैलों में से, शैल समूहों में से कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, तो इनको बताना है कौन सा सही होगा, तो 94 में सी ऑप्शन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम है और यहाँ पे पद दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 95 में बी ऑप्शन सही होगा, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव करें, 96, तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी सही होगा, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, 98 में, तो 98 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे टीम बतानी थी, तो इसका 99 में सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10, 10 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर, और 100 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 68। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 102 नंबर, सी ऑप्शन सही होगा, हिम और बर्फ। जिन क्वेश्चनों में आपको कोई भी दुविधा हो रही है, आयोग के सामने आप लेकर साक्ष्य प्रकट हो सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103, 103 में डी सही होगा, 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 नंबर, और इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105 नंबर, और इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 10 किलोमीटर। ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और आपको कई चैनलों पे आपने देखा होगा, और वहाँ से भी देख सकते हैं, हम भी आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 106 का डी ऑप्शन सही होगा, 13, और 107 का सही आंसर होगा ए, यानी शशुर। जिनका भी पेपर था वो आराम से मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और 108 में बी ऑप्शन सही होगा, 2017। और नेक्स्ट अगर हम 109 की बात करें, तो बी सही होगा, यानी श्रावस्ती। और 110 की बात करें, तो इसमें 30% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 111 नंबर, और 111 का बी ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112, 112 का आंसर नंबर सही होगा आपका डी, डी ऑप्शन सही है, बिरहा चैती भोला, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य बताना है 113 में, तो इसका सही आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, इसका ऑप्शन बी सही है। 115 नंबर में इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ पर है, तो 115 का बी ऑप्शन सही होगा, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, इसका बी ऑप्शन सही होगा, संघ राज्य क्षेत्र, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, और 117 नंबर का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि दोनों ए तथा आर सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो इनको दोनों को आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, 118 नंबर में डी ऑप्शन सही होगा, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, इस तरह आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, और इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, और इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 हरित बॉन्ड से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, और 122 का सही आंसर बी होगा, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 और 3, यहाँ पे डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, और 123 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। शिक्षा, ये CCRT से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लीजिए, और यहाँ पे ए ऑप्शन आयोग के द्वारा सही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, वांगला उत्सव, वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो 124 में बी सही है, मेघालय में। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत होता है, तो इसमें बी ऑप्शन यानी कि सूर्य सही है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन है, तो डी ऑप्शन सही है, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, 127 में बी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन तथा नमी। 128 में आपको मिल जाएगा आंसर डी, यानी कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, और इसका ऑप्शन डी सही है, सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तु को कैसे जानते हैं, तो सोनार विधि से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण से रिलेटेड है। 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 3 1 2, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी क्लब की स्थापना किस के द्वारा की गई, तो 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, तो इस कथन को कहा है डी ऑप्शन, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, ऑप्शन सही होगा बी, 3 1 2 4, मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, और 135 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, मैच कर सकते हैं, ये संधियाँ दी गई हैं, यहाँ पे सन दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है 136 नंबर, और रजमनामा, रजमनामा हिंदू ग्रंथ है, फारसी में अनुवाद किया गया किसका, तो ये महाभारत का किया गया, 136 में सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 137 नंबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, देख सकते हैं। पहले होगा चंदेरी का युद्ध, उसके बाद होगा चौसा का युद्ध, और फिर होगा कन्नौज, और देन तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और जिनको भी वीडियो अच्छा लगा हो जरूर शेयर करें अपने साथियों के साथ जिन्होंने ARO और RO का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ये 20 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, और आयोग की आंसर की के साथ हमने इसको मैच करवाया है, तो आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं। और जिनका भी PCS का पेपर है वो कृपया इस पेपर को जरूर से जरूर देखते जाएँ। 139, 139 का ए ऑप्शन सही है, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 और 1, इस तरह मैच कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, इम्पीरियल गजेटर की संकलनकर्ता कौन है, तो 140 का बी ऑप्शन सही है, विलियम विल्सन हंटर। तो इसी के साथ धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने की, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल पर जितने भी एग्जाम होते हैं यूपी से रिलेटेड, उनके सबके आंसर की और सभी को डिस्कस किया जाता है चैनल पर। तो थैंक यू सो मच।